छह सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड जो आपको आने वाले सालों में बहुत गजब का रिटर्न दे सकते हैं। और अगर मैं इनकी बैक टेस्टिंग की बात करूं तो अभी तक अगर हमने ये लास्ट ईयर लिए होते तो ये हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देते, इवन जो मैं भी ना दे पाता। ठीक है, मैं भी ना दे पाता इसका मतलब क्या है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियोज ने कितने रिटर्न दिए हैं, हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न जनरेट किया है जिन्होंने 2023 के स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट किया था। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इस चीज़ के बारे में बात क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ ना, ये मेरे सभी पोर्टफोलियो को बीट कर रहा है, बहुत बड़ी बात लगी मुझे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे उन छह फंड्स की, छह नाम मैं आपको बताऊंगा। थर्ड नंबर पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर आप बहुत सारे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, टोटल अगर पूरे साल की बात करूँ तो 50 म्यूचुअल फंड्स हो गए। क्योंकि देखो, अगर पूरा स्पेसिफिक चैनल अगर उसके अराउंड होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको इतने म्यूचुअल फंड जानने को मिल जाएंगे। कोई चैनल स्पेसिफिक नहीं होगा तो वो कुछ आपको 5-7 नाम बता देगा और वो फिर परफॉर्म करें ना करें, तो वो वाले बीच में हम फंस जाते हैं कि हमें करना क्या है। तो इस कन्फ्यूज़न को आपकी दूर करूँगा कि किस तरह से ये वाले छः फंड आपके लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम किस तरह से दूर कर सकता हूँ, कितने तरीके हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे। इस वीडियो को किसी भी कीमत पे मिस मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपकी आने वाली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ज़बरदस्त बनाने वाली है। क्योंकि नाम पता लगेंगे, ठीक है, नाम के साथ साथ कैसे करना है वो पता लगेगा, जो आपको कोई भी नहीं बताता। जो लोग मुझे कंप्लेन करते हैं ना कि सर मैं कंफ्यूज हूँ या ये चीज़ है वो चीज़ है, तो भाई थोड़ा सा टाइम दो, वो चीज़ दूर हो जाएगी। और टाइम आज देने का वो टाइम आ गया है कि कंफ्यूजन दूर होगा कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब हम एग्रेसिव लमसम कराते हैं तो ये वाला कुछ पोर्टफोलियो इस तरह से लास्ट वन ईयर के रिटर्न्स पे अगर मैं फोकस करूं तो रफली 30% से नीचे रहा। ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स की परफॉर्मेंस है ये, 2023 की नहीं है। हमारा जो एग्रेसिव इन्वेस्टर वाला पोर्टफोलियो है 34% के आसपास रहा। ठीक है, और स्मॉल कैप बकेट ये हमारा नहीं है, ये मैं बहुत लोगों को कंपेयर करने के लिए बताता हूँ कि हमने इसके अंदर मोस्टली स्मॉल कैप भरे हुए हैं, 70-80% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप से बना हुआ है। तो भाई इस चीज़ को ध्यान में दो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको 27% रिटर्न क्यों देके गया, और ये इस साल की कहानी हो गई। चलो भाई 7-8% का रिटर्न का फ़र्क पड़ गया, लॉन्ग टर्म में भी ये कुछ ज़्यादा नहीं दे रहा आपको फ़र्क। अगर आप दिमाग से स्ट्रेटजी से चलेंगे ना तो आप हर जगह बीट कर पाएंगे स्मॉल कैप बकेट को। इंडेक्स फंड भी बीट कर रहा है लास्ट वन ईयर में, इसमें 80% इंडेक्स फंड से ये बना हुआ है पोर्टफोलियो, सिर्फ एक एक्टिव फंड है इसके अंदर। और जो हमारा दूसरा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसने 34.51 दिए हैं सबसे मतलब अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रफली लास्ट वन ईयर में तो आइडेंटिकल रिटर्न दे के गए हैं। ठीक है, 34.51 जो हमारा एग्रेसिव टू है, इसमें सिर्फ 3 स्कीम्स हैं और ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो 10,000 या 15,000 से कम की SIP कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे भी ज़्यादा रिटर्न देगा कौन सा पोर्टफोलियो वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं SBI कॉन्ट्रा। ठीक है, मैं शायद इसकी 6 महीने में सिर्फ एक बार बात करता हूँ और 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि ये बहुत अच्छा फंड है और कुछ फंड ऐसे हैं जिनको छुपा के रखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ये उन फंड में से एक है। ठीक है, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में रहता है मोस्टली। ठीक है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे अब अगर बात करूँ तो इसमें पैसा आपका लार्ज कैप में 42%, 30% मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी पैसा अच्छा खासा जा रहा है, तो एक मल्टी कैप फंड की तरह काम करेगा और वैल्यू स्ट्रेटजी अपनाएगा। वैल्यू स्ट्रेटजी क्या होती है, सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे जिससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेम अगर मैं नीचे थोड़ा सा आके बात करूँ, निपोन इंडिया, ये भी वैल्यू फंड है और ये लार्ज कैप में 50% डाल रहा है, मिड कैप में 23% और स्मॉल कैप में थोड़ा अच्छा खासा एक्सपोजर दे रहा है कि मैं अगर 1,000 रुपये इसमें डाल रहा हूँ तो 200 रुपये मुझे स्मॉल कैप में जा रहे हैं, ये अच्छी बात लगी मुझे। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बंधन स्टर्लिंग की बात करूं तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक ऐसे ही कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका पोर्शन थोड़ा लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा ही है। तो मुझे इसमें कितना पैसा डालना चाहिए, इन तीनों का अगर मैं पोर्टफोलियो बना दूं तो कैसा दिखेगा? एक चीज़ की कमी मुझे ज़रूर दिखेगी, कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा भर जाएंगे, स्मॉल कैप का थोड़ा सा कम रहेगा, मिड कैप थोड़ा सा कम रहेगा, तो हमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मॉल कैप ऐड करने वाले हैं। कौन से स्मॉल कैप ऐड करेंगे? सबसे पहले एक जो सबसे टॉप पे चल रहा है, ठीक है, मान लो हमने महिंद्रा ऐड कर लिया, हम सिर्फ एक ही फंड लेके चल रहे हैं इसमें जो हम पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो पूरा पोर्टफोलियो ये मत बोलना कि आपने तो पास्ट रिटर्न देख लिया, मैंने ऊपर वाले के पास्ट रिटर्न देखे भी नहीं। ठीक है ना, तो बैक टेस्टिंग में कोई चीटिंग नहीं होने वाली। और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप का एक्सपोजर बता दूं, 10% से ऊपर होने नहीं वाला। ठीक है, ये नाम तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूं ना आपको, क्वांट वाला, तो हम एक क्वांट भी डाल लेंगे। 5 फंड हो गए अभी,
ठीक है, ऊपर तीन पता लग गए, चौथा और पांचवा ये पता लग गया। अगर मैं इनका पूरा का एक पोर्टफोलियो बना लेता हूँ और यहाँ पे मोस्ट कंसिस्टेंट फंड कोटेक एमर्जिंग इक्विटी, इसका भी मैं पास्ट रिकॉर्ड नहीं देख रहा, ये मोस्ट कंसिस्टेंट फंड है तो इसलिए इसको ऐड कर रहा हूँ, और आप वीडियो देख सकते हैं डिटेल में ऊपर जाके पूरी पूरी कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटी वाली एमर्जिंग सॉरी कोटेक एमर्जिंग इक्विटी वाली बहुत गजब की वीडियो है, टॉप पे रहा है ये हमेशा। देखिए मतलब अगर मैं इसका बात करूँ कोटेक वाले की तो सिर्फ 2020 और 2013 दो ऐसे, ये दो साल ऐसे रहे हैं जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बाकी हमेशा अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आया ही है। ठीक है, तो कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आया है, ये बेंचमार्क की बात नहीं हो रही, बेंचमार्क तो बीट हो जाते हैं आराम से। ठीक है, कैटेगरी एवरेज को बीट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि अब हम तो कन्फ्यूज़ हो गए, ये छः फंड आपने बता दिए, तो ये इसकी अगर मैं बैक टेस्टिंग करूँ तो ये हमें क्या रिटर्न दे रहा है, ये पोर्टफोलियो नंबर 6 है, ये हमें 35.66 रिटर्न दे रहा है, और ये महिंद्रा जो हमने इसमें ऐड किया उस वजह से लास्ट 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि महिंद्रा की एज ही 1 साल है। ठीक है, और उसके अलावा हमने कोई भी महिंद्रा को छोड़ के हमने कोई भी फंड बैक उस पर नहीं देखा कि उसके पास रिटर्न क्या थे। तो ये टोटल 6 फंड हैं। अब जो कन्फ्यूज़ हो गए लोग जिनको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, SBI कॉन्ट्रा, निपोन इंडिया, बंधन, क्वांट स्मॉल कैप, महिंद्रा, कोटेक मिड कैप, पोर्टफोलियो स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपना पोर्टफोलियो गजब के रिटर्न्स निकालना चाहते हो, ये 35% रिटर्न चाहिए। यहीं से नेक्स्ट वीडियो शुरू करूंगा कि 35% रिटर्न चाहिए तो कैसे मिलेंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और कितना किस में पैसा डालना है। नाम बता दिए, देखो बहुत से लोगों को ना सिर्फ नाम जानने होते हैं तो वो लोग वीडियो छोड़ के चले जाएं, इससे अच्छा मैं वीडियो बना के ही चला जाता हूं। समझ गए ना कि चलो भाई कोई बात नहीं, मैंने वीडियो बना दी, अब आपने नाम भी जान लिए। जिन लोगों को नॉलेज लेने से कोई मतलब नहीं है वो अगली वीडियो वैसे भी नहीं देखेंगे। ठीक है, और ये बहुत बार हुआ है, मेरा ये 6ठा पोर्टफोलियो है, पहले 5 पोर्टफोलियो में दे चुका हूँ जिसमें मैं 5 बार में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बता चुका हूँ और 5 बार उनका पोर्टफोलियो बना के रिव्यू कर चुका हूँ। तो मोस्टली लोग जो बेस्ट म्यूचुअल फंड वाली वीडियो होती है उस पर गजब के व्यूज़ आते हैं, और फिर देन जब हम रिव्यू करने की बारी आती है, नॉलेज देने की बारी आती है, तो कुछ कमी लोग बचते हैं। तो आप अगर उन कम लोगों में से हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पर हम किस में कितना पैसा डालना है, क्या सेक्टर एक्सपोजर रहेगा, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो अगर हम ऐसा बना देते हैं तो क्या हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस साल तो दे दिया कि नेक्स्ट ईयर कितना रिटर्न देगा, तो उस चीज़ के बारे में सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से बोल रहा हूँ यहीं से शुरू करेंगे, पोर्टफोलियो 6 इतना रिटर्न दे सकता है कैसे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।